वडे मेरे साहिबा वडे मेरे साहिबा वडी तेरी वडे आई वडी तेरी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई बड़ी तेरी वडियाई
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह गनीव तेरी सिफत अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जानला सब किछ तेरे वस तेरा कर पला अपना आप जर सर कला पर दिसे जत कथा नानक दास निदास तुद आगे बिनवता जज तेरी कुद तेरे कदम सलाह
चर्च तेरी खुद तेरे कदम साला गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह कुदरत पाओ सुख सा कुदरत पाता निया काशी कुदरत सर्व आकाश कुदरत वेद पुराण कते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खा पीना पहना
कुदरत सरब प्या कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पाली बैसंत कुदरत तरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके ना तेरी कुदरत तेरी कदम सला गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह पातशाह
सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सारा, गनीब तेरी सिफत, सच्चे पातशाह। Thank you.
बादशाह Yeah.
चर्च तेरी खुद तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह। पांचवे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज उस्तत कर रहे हैं उस अकाल पुरख निरंकार गुरु नानक के प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचर्ज तेरी कुदरत, तेरी कुदरत आश्चर्यजनक है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। तेरे कदम सलाह तेरे चरण केवल तेरे चरण सलाहन योग्य है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक जिनकी उस्तत की जा सकती है। क्यों? गनीव तेरी सिफत सच्ची पातशाह। गनीव का भाव होता है अनमोल बेशकीमती। तेरी सिफत सलाह जिसे तेरी सिफत सलाह मिल जाए जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। जिसे ये तेरी सिफत सलाह मिल जाए गनीव बेअंत अनमोल अनमोल है। क्यों? जिसे मिल जाए वो भी अनमोल हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक पातशाही पातशाह भाव जिसे अपने नाम की दात दे दे जिसके हृदय में सिमरन शुरू हो जाए अनमोल दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक वो कुदरत में देखता है उसे निरंकार दिखाई देता है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गनीव तेरी सिफत गनीव अनमोल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। खूब 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 तेरो नाम। नाम की उस्तत कैसे की है? किसी चीज़ को जोर लगाकर बोल रहा हूँ तो दो बार रिपीट किया जाता है। यहाँ पर पांच बार किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा खिड़की बंद कर दो। पर्दा नहीं खिड़की बंद करो बेटा। पर्दा खोल दो। थोड़ा ध्यान रखा करो डिस्टर्बेंस होती है ऐसी बेटा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अचरज तेरी कुदरत तेरी कदम सला गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह खूब तेरो नाम, तेरा नाम की बढ़ाई कहीं नहीं जा सकती। सबसे ऊपर तेरा नाम, सबसे बड़ा तेरा नाम, तारने वाला तेरा नाम, जितनी उस्तत करो कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जितना जोर देकर यहाँ पर नाम की उस्तत की है, नाम की बढ़ाई की है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, उतना ही जोर देकर इस दुनिया को नखेदी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चूठ 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 दुनी गुमान, इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है जिस पर हम गुमान करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो जवानी हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो जिस पर हमें अभिमान है, गुमान है, अहंकार है, पाछा कहते झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेकेंड लगेगा इसे जाते हुए, ख़त्म हो जाएगा। जो हमेशा स्थायी रहने वाला है, तेरे जाने के बाद भी, तेरे आने से पहले भी था, अब भी है, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच, तो वो है उसका नाम सिफ्त सलाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नगज का है खूबसूरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मुझे वो लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं, खूबसूरत लगते हैं, मन को भाते हैं, जो तेरा नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम शरीर की सुंदरता को देखते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज को सुंदर वही लगता है जो नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी कहती है ना कई जगह पर, वाह वाह करे सही जन सोहने तिन को प्रजा पूजन आई। सारी प्रजा उसे पूजने लग जाती है जो तेरा नाम जपती है दिन रात। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौह कुंट माने, चारों दिशाओं से उसकी उस्तत होनी शुरू हो जाती है अगर वो नाम जप ले। जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नगज तेरे बंदे, खूबसूरत हैं तेरे बंदे दीदार अपार, उनके दर्शन करके मेरा मन तृप्त हो जाता है। पर नाम बिना सब दुनिया चार, अगर नाम नहीं जपता सब कुछ व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचर्ज तेरी कुदरत तेरे कदम साला गनीव तेरी सिफत सच्ची पाचा निधरिया धर पने खुदा है नियासरों का आसरा है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक निरंकार नियासरों का आसरा है, पनह खुदा है, इस खुदा के शरण में आजा, पना ले ले। पर कैसे? गरीब निवास दिन रैन ध्याए, अगर उसकी शरण चाहिए तो शर्त बता दी है। बड़े ध्यान से समझना इस पहलू को साथ संगत जी। बहुत सारी दुनिया, ये सच भी है, एक बात बहुत समझने वाली है, हम अक्सर कहते हैं दुनियावी पदार्थों से ऊपर उठो, दुनियावी पदार्थों से ऊपर उठो, पर जो गरीब होता है ना उसकी सबसे पहली इच्छा होती है मेरी गरीबी दूर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी गरीब को माला पकड़ कर बिठा दो नाम जपने के लिए, पहले बोलेगा पहले खाना तो दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गरीबी बहुत बड़ा एक अभिशाप है, श्राप है गरीबी। पर हैरानी की बात ये है हमारे लिए, हमारे पास इतना बड़ा खजाना है ना, उसके बावजूद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी एक एक अक्षर मंत्र, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, हमारे पास इतना बड़ा खजाना है पर फिर भी हम गरीब हैं। अगर मैं दुनियावी पक्ष की बात कर रहा हूँ, गरीबी के कई अर्थ निकलते हैं बाणी में। एक गरीबी होती है विनम्रता, हृदय की गरीबी,
एक होती है दुनियावी गरीबी, धन की गरीबी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक दास, धन की गरीबी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गुरु नानक जैसा गुरु होते हुए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसे गुरु होते हुए भी अगर हम गरीब हैं तो हमारे जैसा अभागा कोई नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यहाँ पर गरीबी का स्थान नहीं, पातशाह कहते हैं कि मेरा सिख तो राजाओं का राजा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आज अगर इस पॉइंट को समझ गया ना कोई, गरीबी नहीं रहेगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गरीबी दूर हो जाएगी। ये वो बैठा है, इसके लिए सेकेंडों का काम है। क्योंकि एक बात समझ लेना, हम किसी को ना कपड़ा दे सकते हैं, किसी को रोटी दे सकते हैं हाथ में, किसी को थोड़े पैसे दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, पर उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गलतफहमी में मत रहना, चाहे 10 लाख दे दो, 10 करोड़ दे दो, गरीबी दूर नहीं होगी। क्योंकि अगर उसकी किस्मत में लिखी है ना, ये आकर भी हाथ से निकल जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप दो भी दोगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। गरीबी दूर करने का ताकत केवल और केवल गुरु के पास है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी प्रमाणित करती है कि गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी लिख कर आती है किस्मत में, और उसे बदलना गुरु के हाथ में है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु से बदलवाते कैसे हैं, वो पहलू है बस मेन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निधरिया धर पने खुदाए, नियासरों का आसरा है तू, गरीब निवाज है तू, इसकी पनाह ले ले, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं। पर कैसे ले, गरीब निवाज, जो ये गरीब निवाज है ना, दिन रैन ध्याए, दिन रात उसका नाम जपना शुरू कर दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात करती, नाम जपो गरीबी खत्म, सवाल ही नहीं उठता रह जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजारों लाखों प्रमाण है मेरी आंखों के सामने घूम रहे, अनगिनत हैं, गिनती नहीं है, कि कैसे गरीबी दूर होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गरीबी दूर होनी जरूरी है, क्योंकि हमारी वो अवस्था नहीं है ना भक्तों वाली, भगत कबीर जी, भगत फरीद जी, उन्हें धन से कोई लाभ, गरीब होते हुए भी उन्होंने पाया है। सारे भक्तों की वाणी जो आती है ना, 99% सब गरीब हुए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है, जब धन ज़्यादा आ जाता है ना तो आदमी गुरु से टूट जाता है, दात प्यारी विसर्या, हमारी अवस्था ये है। वो भक्तों के मन की अवस्था है, हमारे दुनियावी लोगों के मन की अवस्था ये है, पहले पाछा गरीबी दूर कर दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जायज भी है, क्योंकि निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे उचित न धरे, वाणी कहती है कि जो निर्धन है उसका कोई सत्कार नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर निर्धन किसी अमीर आदमी के पास चला जाए तो उसे सबसे पहले ख्याल यही आता है कि ये मांग नहीं आया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसका सत्कार नहीं होता। और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं गरीबी दूर करने का तरीका, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निधरे धर पने खुदाए, गरीब निवाज दिन रैन त्याए, किसे गरीब तेरी सिफत, सच्चे पातशाह
प्रिय धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझाते हैं, गरीबी दूर करने के लिए हम बहुत गलत काम करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इस पहलू को अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो ज़िंदगी भर की मोहताजगी ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने कोई अमीरों से दोस्ती कर लें कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, कोई काम बन जाए हमारा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। पाछा कहते हैं, जिसके मन में दूसरे की टेक है, जो दूसरे से इच्छा रखता है कि इसकी वजह से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, इसके सहयोग से, कहते कभी नहीं सुखी हो पाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा ललचाता ही रहेगा, हमेशा तृष्णा खाली ही रहेगी, हमेशा खाली रहेगा, तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति आती है केवल गुरु के देने से। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्होंने वाणी में इस बात को प्रमाणित किया है, श्रवण कीजिए। मानुक की टेक बिरथि सब जा, देवन को देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अघाय पूर्ण तृष्णा लागे आए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, मानुक के टेक बिरथि सब जा, किसी इंसान का आसरा मत रखना। अगर उसने मदद कर भी दी तो जताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी मदद लेकर अगर तूने उससे धन ले भी लिया, तेरी तृप्ति नहीं हो पाएगी, तेरा घर नहीं पूरा होगा। मानुक के टेक बिरथि सब जान, देवन को एक है भगवान। क्यों उसको एक ही कहे, देने वाला यही है? क्योंकि जिसके दिया रहे अघाए, केवल यही है, जब ये देता है ना तो घर पूरा कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही है जिसके देने से मन तृप्त हो जाता है, बहुत ना तृष्णा लागे आए, फिर तेरे मन में कभी तृष्णा नहीं जागेगी कि और चाहिए, इतना दे देता है ये, देंदा दे लेंदे थक पाए। जब ये देने भी आ जाए तो इतना दे देता है कि रजा देता है, राजा बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हो भी क्यों ना, ये राजन के राजा है। छोटा मोटा राजा भी किसी को करोड़पति बना सकता है, ये तो राजा बना सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये देने पे आ जाए, और इसे लेने का तरीका क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे पहले मानुक के टेक बिरथि सब जान, मन में से कोई भी आसरा है अगर उसे निकालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास करो, हे गुरु नानक तू ही दे, मुझे तुझसे ही चाहिए, मुझे किसी और से नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पास देने के अनगिनत रास्ते हैं, देने पर आ जाए पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों गरीबी में जिए अगर हमारा गुरु गुरु नानक है तो? क्यों मोहताजगी में जिए? बहुत बड़ी हमारी मूर्खता है। गुरु साहब जी क्लियर समझा रहे हैं, अगर हम इस पे चलें, दुनियावी टेक को छोड़ दें आसरे को मन से, और नाम जपना शुरू कर दें, कैसे गरीबी नहीं कटेगी? पाछा खुद कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो वो है, अगर देने पे आ जाए तो फिर वो देखता ही नहीं कि नाम भी जप है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो गुरु प्रसाद है ना, देने पे आ गए तो सज्जन ठक को जाकर दे दिया घर में उठाकर, चुने जिसने अनगिनत कत्ल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके गुनाह ही नहीं देखे, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौडा राक्षस लोगों को तल कर खाता है, देने पे आ गए तो उसे जाकर दे दिया जंगल में जाकर, इसकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो अरदास है, वाहेगुरु तरस कर तरस कर, अचर्ज तेरी कुदरत, तेरी तू ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस पे प्रसन्न होता है, कब प्रसन्न होता है, क्यों प्रसन्न होता है, तू ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के पुण्य भी नहीं पसंद आते उसे, किसी के पाप पसंद आ जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी प्यारी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। आइए दो पंक्तियां पढ़े, फिर इस घटना को सुनते हैं। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गरीबी काटते हैं, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अचरज तेरे खुद तेरे कदम दुध समाइए एक चुल्ले रहन चढ़े। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। आपे भांडे साजन आपे पूरण दे। बर्तन कहा है, भांडा कहा है बर्तन को, कि निरंकार ने खुद बर्तन तैयार किया है, इस शरीर को कहा है बर्तन। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जब उसने बर्तन तैयार किया, आपे पूर्ण दे, इसमें उसमें किस्मत में लिख दिया कि इसने गरीब होना है कि अमीर होना है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसे क्या क्या मिलेगा, किस्मत में लिख दिया, ये वाणी कह रही है। कई लोग किस्मत को नहीं मानते। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, कि कर्म ही सब कुछ है, मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सिख केवल किस्मत के आधार पर नहीं जी सकता, मेहनत करनी है, पर मेहनत को फल लगाना इसके हाथ में है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। डॉक्टर इलाज कर सकता है, ठीक नहीं। हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, पास होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में कर्म है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे, इकनी दुध समाइया एक चूल्हे रहने चढ़े। कितनी कमाल की बात की है। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, एक बर्तन में दूध डालकर रखा होता है, एक बर्तन चूल्हे पर चढ़ा रहता है। भाव एक शरीर ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, सुख है, और एक शरीर ऐसा है जिसे सारा जीवन तकलीफ ही होती रहती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, तकलीफों से गुजरता रहता है। एक ने दूध समाया एक चूल्हे रहने चढ़े, एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े। एक आराम से मखमल के बिस्तर पर सोया हुआ है, एक पैरे पे खड़ा है। सिक्योरिटी वाले देखें खड़े रहते बंदूक लेकर, वो सो रहा है, ये बेचारे जाग रहे हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, क्या अंतर है। तिना सवारे नानका जिनको नजर करे, और नजर की निशानी नजर करे ता सिमरे आ जाए। जिस पे नजर कर दे उसको सिमरन की दात दे देता है, उसके लिए सबसे बड़ी अनमोल दात है ही ये। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जिसके पास सबसे बड़ी चीज हो, खुश हो जाए तो वही देगा ना। निरंकार के पास सबसे बड़ी दात है सिफ्त साला, जिस पे प्रसन्न हो जाए उसे वो दात बख्श देता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप सबको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में 52 कवि हुआ करते थे। कविताओं का बड़ी रुचि रखते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और उनमें से सबसे मुख्य कवि थे भाई नंदलाल जी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कवि दरबार सस्ता था, कवि अपनी कविता लिख लिख कर लाते थे, गंभीर गहरी बड़ी मुश्किल वाली कविता जिसके अर्थ समझने भी मुश्किल हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उस समय की घटना है, एक कवि का नाम आया हीर, कवि का नाम आया हीर कवि। उसके घर में अति की गरीबी, बहुत ही ज्यादा गरीबी। घर वाले कहने लगे, आप भी कवि हो, कविताएं लिखते हो,
क्यों नहीं चले जाते कभी दरबार में, क्या पता कोई बात बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस पर खुश हो जाए कविता पर इनाम देते, हमारा कुछ बन जाएगा, एक इनाम से ही पूरा जीवन बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी गरीबी में रहते हैं, थोड़ा सा खाने को मिलता है, बच्चों को भी तकलीफ में देखते हैं। वो कवि हीर कहने लगा अपनी घरवाली से, भाई तू कमाल की बात करती है, वहाँ पर तो बड़े बड़े कवि बैठे हैं, इतनी गहरी कविताएं लिखते हैं जहाँ पर जो जहाँ तक मेरी सोच ही नहीं, मैं वहाँ जाकर कौन सी कविता सुनाऊंगा, मैं तो ऐसे ही छोटा छोटा मोटा लिखता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे जाने में क्या हर्ज है, एक बार चले तो जाओ मेरी बात मानकर, क्या पता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तुठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घरवाली के कहने से, बहुत दिनों से कहने से, एक दिन मन बना के कवि दरबार चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दरबार लगा है, बड़े बड़े कवि अपनी कविताएं सुना रहे हैं एक एक करके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कविता सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। ये दूर खड़ा कविताएं सुन रहा है, इतनी गहरी, इतनी गंभीर, इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, ये डर के और पीछे हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो गया, भीड़ में खड़ा है पर आखिर में खड़ा है। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानु हाल, बिन बोलियां सब कुछ जानता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजर गई पीछे, इसकी तरफ देखा, सब कुछ जान गए। इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे आगे बुलाया, भाई आगे आ जाओ, आप कवि लगते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डर डर के शरीर कांपने लग गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद बुलाया है, देखा है मुझे। शरीर कांप गया, कांपते कांपते आगे आके खड़ा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के कवि हो ना, इसने हाँ में सारे हिला दिया और डरा हुआ है। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के सुनाओ फिर कुछ भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चुप, शरीर कांप रहे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो पास में सेवादार खड़े हैं वो इशारा कर रहे हैं, भाई बोल, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तुझे कहा है कविता पढ़ने के लिए, यहाँ पर लोग तरसते हैं खड़े होने के लिए, तुझे खुद कहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा। तो इस कवि हीर ने क्या किया, कुछ ना सोचा, एक पंक्ति पढ़ दी, श्रवण कीजिए। तुम हो गरीब निवाज, तुम हो गरीब निवाज, तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। एक पंक्ति पढ़ दी,
चुप कर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कहने लगे आगे बोल। तो दूसरी बार भी यही कहा, तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। अब सब ने कहा भाई आगे की पंक्ति तो पढ़। फिर से यही कह रहे हैं, तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। असल में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके शुद्ध बुद्ध खो बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने खड़े गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन कर रहे। कविता है तो भूल गया, क्या आता है क्या नहीं आता, बस यही रिपीट करते जा रहे, तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे भाई आगे की पंक्ति भी बोल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आगे की पंक्ति इसने ये कही, बस इतना कह दो, बस इतना कह दो, गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अगली पंक्ति तो पढ़। तो कहते बस इतना कह दो, ये गरीब मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ज्ञान नहीं, कोई गहराई नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए, कई कवि आते हैं बड़ी बड़ी कविताएं, गहरी गहरी कविताएं लेकर आते हैं, और आखिर में कई बार तत्व भी कुछ नहीं निकलता, और इसने तो दो पंक्तियों में सारे ज्ञान का तत्व निकाल दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। अगर कोई इस प्रकार से अरदास कर दे गुरु को, बस इतना कह दो ये गरीब मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने जिसे मेरा कह दिया, उसके पास कमी किस चीज़ की रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा खजांची से, इतनी मोहरें इसे दे दो, इसकी झोली भर दो, सोने की मोहरों से इसकी झोली भर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक इसने एक मोहर भी कभी नहीं देखी थी सोने की, एक मोहर, और इसकी झोली में अनगिनत मोहरें पड़ी हैं सोने की। आंखों में आंसू है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की खुशियां लेकर जा रहे हैं। अब ये खजाना किसने दिया है, गुरु ने। कभी तोट आ सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे पा लिया इसने एक मिनट में गुरु से, सबसे पहले अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया इसने कि मैं बड़ा कवि हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता रखी, उसके बाद मांगा क्या, प्रेम। कि तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा, बस इतना कह दो ये गरीब। इसलिए तो बाबा नंद सिंह जी पढ़ाया करते थे ना, याद है ना, पढ़ लेते हैं। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे
अपने गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। रख लो बाबा जी नी माड़ा जान के। रख लो बाबा जी नी माड़ा जान के। रख लो वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। गरीब तेरा गरीब निवास मैं गरीब तेरा। तुम हो गरीब निवास मैं गरीब तेरा। गरीब निवास मैं गरीब तेरा। ये कौन बैठे हैं यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान हैं। अगर उस वक्त गरीबी काट रहे थे अब भी काट रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीर ने कहा तुम हो गरीब निवाज मैं गरीब तेरा, उसकी गरीबी काटती। अगर हम पुकारेंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, वो हमारी क्यों नहीं काटेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुम हो गरीब निवाज मैं गरीब तेरा। गरीब निवास मैं गरीब तेरा। गरीब निवास मैं गरीब तेरा। बस इतना कह दो ये गरीब मेरा। इतना कह दो ये गरीब मेरा। बस इतना कह दो ये गरीब मेरा। रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। रख लो जी गरीब जान। गरीब निवास मैं गरीब तेरा। गरीब निवास मैं गरीब तेरा। तुम हो गरीब निवास मैं गरीब तेरा। गरीब निवास मैं गरीब तेरा। बस इतना कह दो ये गरीब मेरा। इतना कह दो ये गरीब मेरा। इतना कह दो ये गरीब मेरा। जी मैं तेरा ओ जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के। रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले गरीब जान के।
अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाम तेरी सिफत सच्चे पातशाह याद कर लिया करो जो आज तक सुनी है। सुनी तो अनगिनत है पर कुछ बहुत कीमती है। रागी सुरजन सिंह जी को बाबा ईश्वर सिंह जी ने क्या कहा, सौदा नहीं है बिकेगा कहां से, तेरा नितनेम नहीं है, नाम नहीं है, तेरे कीर्तन में रस कहां से आएगा। गरीब से धनवान बना दिया, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, मूल मंत्र जपा, मूल मंत्र को पकड़ लिया, 40 वाला रोज की करनी शुरू कर दी, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। राष्ट्रपति जनरल अयूब खान पाकिस्तान के कैसे बने, जिस बच्चे के दिमाग में पढ़ाई नहीं जा रही थी, मूल मंत्र पकड़ लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, राष्ट्रपति बन गए। कितनी मिसालें हैं, नाम जपने से क्या नहीं हो सकता। जो गरीबी में दुखी हैं, पकड़ लो नाम को, पकड़ लो नाम को। बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नाम जपने से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि खड़ी ही नाम के आश्रय पर है। जो चाहो मांग लो, जो चाहो पा लो, बस नाम को आगे रख लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर धन अमृत वेले वते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना है। अमृत लौट के जो नाम जपते हैं, हर धन का नाम बीज देते हैं, कितना भी खा लें, कितना भी खर्च कर लें, कभी तोट नहीं आ सकती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले की वडियाई, अमृत वेले में जपे हुए नाम की वडियाई, कितना भी खा लो, कितना भी खर्च कर लो, तोट नहीं आएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह, अनमोल दात है तेरी सिफत, क्योंकि ये सिफत मिल गई, सिफत चला सब कुछ मिल जाएगा। यहीं के सुख नहीं, लोक सुखी है पर लोक सुहेले, यहाँ भी सुख आगे भी सुहेला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सला, गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह। आता पने
सच्चे चर्च तेरी कुदरत तेरे कदम सला गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह चर्च तेरी कुदरत तेरे कदम सला गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह गनीब तेरी सिफत सच्चे गरीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह